हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने ये अधिसूचना जारी कर दी है कंप्यूटर निदेशक भर्ती की। तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। योग्यता वगैरह आपने देख ही ली है। इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वालों को अभी तक इसमें एलिजिबल नहीं किया गया है, और वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक है उसके लिए उन्होंने मास्टर्स डिग्री मांगी है। वो एम टेक हो सकती है, एम सी ए हो सकती है, एम एस सी हो सकती है, और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच में ये चलेगा। वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, उसमें स्नातक और ए लेवल पी जी डी सी न्यूनतम 1 वर्ष, या अभियांत्रिकी में स्नातक बी, कंप्यूटर विज्ञान सी एस, सूचना प्रौद्योगिकी आई टी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी ई सी, विद्युत अभियांत्रिकी ई, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण, दूर संचार और इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रौद्योगिकी में स्नातक, या कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में बीएससी, या भारत सरकार भारत में विद्युत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता। तो इसमें अभी हम देखते हैं, ये एक वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक का दे रखा है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, और बाकी बेसिक कंप्यूटर निदेशक का वो तो रहेगा ही रहेगा। तो हम सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर निदेशक का सिलेबस देख लेते हैं डिटेल में। बेसिक वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो वरिष्ठ के दे रहे हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक कंप्यूटर निदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण। परीक्षा है वो 200 अंकों की होगी, दो पेपर हो जाएंगे 200 अंकों के, प्रत्येक पेपर हो जाएगा 100 अंक का। पहला पेपर है वो 100 अंक का हो जाएगा, टाइम रहेगा इसका 2 घंटे, और 100 नंबर आएंगे इसमें, 100 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, और 2 घंटे का टाइम है, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो बाकी ओवर टाइम भी, ओएमआर सीट वगैरह भरना, तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। अब इसमें पहला जो टॉपिक है कला संस्कृति इतिहास भूगोल सामान्य विज्ञान और राजस्थान के समसामयिक मामले। करंट अफेयर आ जाएगा, सामान्य विज्ञान आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, संस्कृति और कला। तो करंट अफेयर के लिए डेली का न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहें, पिछले 1 साल तक का पूरा करंट अफेयर्स वगैरह। सामान्य विज्ञान वगैरह आप ल्यूसेंट वगैरह से पढ़ सकते हैं, और राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास भूगोल। इसके बाद में सामान्य योग्यता में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। देखिए ये सारा जो भी है वो 10वीं तक की मैथमेटिक्स है, इसमें डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सामान्य बौद्धिक योग्यता है, ये तो हर एक एग्जाम में रहता ही है सिलेबस। तो बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आदि, ये कक्षा 10 तक के स्तर के रहेंगे। इसके बाद में है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर चार्ट्स वगैरह, ग्राफ, टेबल्स, डेटा सफिशियंसी, ये सारा इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, और इसके अंदर निगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी रहेगी? प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट पर्सन के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग कट जाएगा, तो 1/3 अब वो माइनस होगा। तो सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन आ रहा है वही करना है, तुक्केबाजी इसमें नहीं करनी है, नहीं तो महंगी पड़ जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय, ए बी सी डी या 1 2 3 जो भी रहेगा उसमें, ए बी सी डी रहता है वैसे तो, या एबीसीडी मान लो हिंदी में। तो उसमें अगर आपने रॉन्ग चॉइस में गोला भर दिया है ओएमआर में, तो 1/3 आपका माइनस हो जाएगा। अब ओएमआर कैसे रहेगा देखेंगे आगे, ये ऑफलाइन पेपर होगा कि ऑनलाइन होगा, जैसे भी होगा। प्रश्न पत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न का
पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा कि आयोग बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विहित किया जाए और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसे रीति से जो आयोग बोर्ड यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे सूती है। अब देखिए दूसरा जो पेपर है, पहला तो पेपर हो गया उसमें राजस्थान का जीके वगैरह कुछ करंट अफेयर विज्ञान भूगोल वगैरह हो गया और नॉर्मली जो रीजनिंग वगैरह एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स 10th तक की है वो आती है वो रहेगी। दूसरा पेपर भी 100 अंकों का होगा, वही 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन आएंगे, लगभग वही 1 मिनट के लगभग 1 क्वेश्चन का मिलेगा। इसमें भी 1/3 अंक काटा जाएगा गलत के लिए। अब इसमें क्या रहेगा, एक तो पेडागोजी रहेगा, पेडागोजी आप क्योंकि शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या होता है। अब बाकी जो टीचर बनते हैं उसमें क्या बीएड वगैरह बीएसटीसी मांगते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ मांगा नहीं है, वो तो बीएड बीएसटीसी में पढ़ लेते हैं साइकोलॉजी वगैरह, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने बीएड वगैरह नहीं कर रखी है तो उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के लिए कोई ज़्यादा स्पेशल अलग से नहीं आएगा, लगभग वही पढ़ाई का तरीका रहेगा जैसा बाकी सब्जेक्ट में रहता है। इसके बाद में बौद्धिक योग्यता, वो वापस पेपर 1 वाली चीज़ें आ गई, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाएगा। फिर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आ गया, इसमें ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू आ गया। जिसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आ गए, पॉइंटिंग डिवाइसेज एंड स्कैनर आ गए, ये नॉर्मली जो डिवाइसेज कंप्यूटर से अटैच होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आ गया, जिसमें डिजिटल वर्सेज एनालॉग आ गया, नंबर सिस्टम आ गया, डेसिमल आ गया, बाइनरी आ गया, हेक्सा डेसिमल आ गया, ऑक्टल इसमें लिखा नहीं है लेकिन वो भी साथ में रहता ही है। इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग आ गया, कंसेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप्स आ गया। इसके बाद में आता है डेटा प्रोसेसिंग के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एमएस पावर पॉइंट और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ये पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट हर जगह क्यों लिखते हैं, आजकल तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं तो सब में एक जैसे ही होते हैं ऑप्शन। तो इनमें से ये बेसिक जो कंप्यूटर होता है, ये तो आरकेसीएल वगैरह आप कोर्स करते हैं उसमें भी पढ़ाते ही हैं, जो वर्ड होता है एमएस वर्ड बोले या वर्ड बोल दो सिंपली आप, इसके अंदर कुछ भी लेटर वगैरह टाइपिंग करते हो, एप्लीकेशन वगैरह। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है एमएस एक्सेल, उसमें जो भी हिसाब किताब जैसी कुछ चीज़ें होती है वो रहती है, टेबल्स वगैरह बनती है। प्रेजेंटेशन बनाती होती है तो पावर पॉइंट के अंदर हम बनाते हैं, और डीबीएमएस डेटाबेस अगर बनाते हैं तो वो होता है एमएस एक्सेल में। तो इनमें बेसिक्स पूछ सकते हैं। इसके बाद में प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। प्रोग्रामिंग में देखिए इंट्रोडक्शन टू सी, सी प्लस प्लस, तो सबसे पहले ही सी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में, उस पर क्वेश्चंस रहेंगे। सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, तो ये तीन चार चार लैंग्वेज दे दी, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट। इतने डीप में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको बोलते हैं, मशीन लर्निंग, ये नए टॉपिक हैं और रिसेंटली काफ़ी इन पर रिसर्च हो रही है। पाइथन एंड ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन काफ़ी सुनने में आ रहा है, जो ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह चल रही है उससे काफ़ी सुनने में आ रहा है। प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हमारी सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट है, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स होती है, क्लासेज होती है, जिसको OOP बोल रहे हैं, ऊप्स भी बोलते हैं। तो वो कंसेप्ट्स जिसमें क्लास रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, इनहेरिटेंस रहेगा, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, ये सारी चीज़ें रहेगी। इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेजेस,
आईडी जो हम यूज करते हैं उसके एडवांटेजेज जो क्या होते हैं वो रहेगा। इसके बाद में आता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जैसे ही आप प्रोग्राम लिखते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो प्रोग्राम लिखने से पहले आपको एल्गोरिथम पता होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है और ये पूरी समझने की चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स रहेंगे, एरे रहेगा, डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, लिंक लिस्ट वर्सेज एरे फॉर स्टोरेज, स्टैक और स्टैक ऑपरेशंस, क्यू, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, सिंबल टेबल, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस। इसके बाद में आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैसी स्ट्रक्चर होती है, जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं इसके अंदर, रैम, रोम, सीपीयू वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, आजकल एसएसडी आने लग गई, कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू आ जाएगा, एंड इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू आ जाएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट आएगा, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स, कंप्यूटर में कैसे प्रोसेस होती है, क्या शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट रहेगी या राउंड रोबिन रहेगी या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर रहेगी, वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी। इसके बाद में हमारा जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, नेटवर्किंग वगैरह है, वो आ जाएगा। इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क का, इंट्रोडक्शन रहेगा नेटवर्क की लेयर्स, मॉडल्स कौन कौन से हैं, TCP IP है, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, स्विच, ब्रिज, राउटर, अलग अलग डिवाइसेस रहते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस, फंडामेंटल्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन आ जाएगा, मोबाइल कैसे काम करता है हमारा, नेटवर्क सिक्योरिटी में आ जाएगा प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम वायरस एंड मेलिशियस अटैक्स, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रीस्टोरिंग डेटा, नेटवर्किंग लैंड एंड वैन, सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आ जाएगा। इसके बाद में आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर आ जाएगा ओवरव्यू रहेगा डेटाबेस मैनेजमेंट का, उसका आर्किटेक्चर रहेगा, आर्किटेक्चर जो 3-tier आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर 3 layers होती है, वो आ जाएगा, डेटाबेस डिज़ाइन आ जाएगा, मैनिपुलेशन आ जाएगा, SQL डेटाबेस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इसमें इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML, टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच आ जाएगी। इसके बाद में इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, या IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफ़ी चल रहा है आजकल, उसके बारे में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, लैन, मैन, वैन, सर्च सर्विसेज, इंट्रोडक्शन टू लाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, वेब पब्लिशिंग, वेब बेसिक नॉलेज, HTML, XML, स्क्रिप्ट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, HTML इंटरेक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू e-commerce। तो ये सिलेबस है, देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस आएंगे नहीं बेसिक वाले लेवल में, तो ये इजीली हो जाएगा कवर, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा ज़्यादा बुक्स में से, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ पर सिलेबस है वो कवर होना चाहिए पूरा, ठीक है। भाई इसके आगे के वीडियोस में अपन एक एक करके ये जो सारे टॉपिक है उनको पढ़ेंगे अच्छे से, और मैं YouTube पर वीडियोस डालता रहूँगा, आपको पढ़ना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आपको कोई डाउट है, कुछ डिस्कशन करना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।